दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिकी मैथ के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकाई का अंक पता करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शून्यों की संख्या पता करना सीखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आप नहीं देखे हैं जरूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिकी मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इकाई का अंक कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के टाइप विभिन्न प्रकार के होंगे, हर टाइप को हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बंद ना करें, और पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए आइए हम देखते हैं। दोस्तों, ट्रिकी मैथ के अंतर्गत इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट यूनिट नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही आसान है, आप शायद कर भी लेंगे। क्या कह रहा है, एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे पांच गुणे छह, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, कारण यह है कि आप गुणा भी कर लेंगे तो इकाई का अंक पता हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे दो है और यहाँ पे पांच है, और मैं बताया हूं कि जिस गुणनफल में, जिस गुणन प्रक्रिया में एक जोड़ा हमको दो पांच मिल जाए गुणे के रूप में, तो उस वाले पद में हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस गुणनफल में क्या है, तो दो भी है और पांच भी है, और जोड़ा बन रहा है, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका शून्य, पहले वाले का शून्य हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जो होगा इकाई का अंक वो हमें जीरो मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दो तिहाई छह, छह चौको चौबीस, पांचे एक सौ बीस, एक सौ बीस छह कितना हो जाएगा, सात सौ बीस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग इसमें। अब देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, और कह रहा है कि जब इसको आप गुणा करेंगे और जब गुणनफल प्राप्त करेंगे, उस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि इसको गुणा करेंगे प्रत्येक को और फिर चेक करेंगे तो बहुत लंबा होगा, और शायद आप न कर पाए, अधिक लंबा समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें गुणा के रूप में दिया हो इकाई का अंक पता करना है, तो हम क्या करते हैं, हम केवल इकाई का गुणा करते हैं आपस में। क्या हो जाएगा, तीन नवा सत्ताईस, तो सत्ताईस आया ना, सत्ताईस में से फिर इकाई का अंक लेंगे, हम सात लेंगे, और फिर सात का हम एक गुणा करेंगे, सात एक हम सात, अभी सात ही है, फिर सात का हम गुणा करेंगे सात में इकाई के अंक में, सात सत्ते उनचास, अब उनचास में उनचास नहीं लेंगे हम, नौ लेंगे इकाई का अंक लेंगे, फिर नौ का गुणा करेंगे हम इकाई के अंक में आठ में, अर्थात नौ आठ है बहत्तर, अंत में बहत्तर आया ना, तो बहत्तर आया तो बहत्तर में इकाई का अंक क्या हुआ, दो हुआ। दोस्त, आपका आंसर यही होगा दो। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है फिर एक बार आप रिविजन कर लेंगे, समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहां कह रहा है सभी सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, सभी सम, तो सम पहला दो होता है, फिर चार होता है, फिर छह होता है, और फिर आठ होता है, ऐसे ही दस होगा। ठीक है, ऐसे ही बारह होगा दोस्तों, ऐसे आगे अनंत तक जाएगा, सभी सम संख्या गुणनफल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि इस सम में क्या आएगा, दस भी आएगा, दस मतलब क्या है दोस्तों, दो गुणे पांच। अब मैं बताया हूं कि जहां हमको गुणनफल के फॉर्म में दस मिल जाए या दो गुणे पांच मिल जाए, कंफर्म है कि इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। जितने जोड़ा मिलेंगे हमको दो गुणे पांच, उतने ही शून्य आएंगे। तो हमें शून्यों की संख्या नहीं पता करना है, इकाई का अंक क्या होगा बस ये पता करना है। तो हमको दस मिल गया अर्थात दो गुणे पांच मिल गया,
तो इससे कंफर्म है कि इकाई का अंक जीरो जरूर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इकाई का अंक जो होगा जीरो होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, केवल आप कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, तो नहीं तो आप सिंपल से करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, मेरी बात को समझिए। ठीक है दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में और आगे इंटरेस्टिंग प्रश्नों को देखें, देखने में टफ लगेगा लेकिन हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे, ट्रिक से कर लेंगे, बहुत कम समय में कर लेंगे। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट चौथा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें कहा है कि 1 से लेकर 9999 मतलब 9999 तक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, एक से इतना तक सभी संख्याओं का, तो एक करें अभाज्य है ना, तो एक तो अभाज्य नहीं होता है, पहला अभाज्य क्या होता है, जब शुरू गिनती एक से करेंगे तो पहला अभाज्य क्या मिलेगा, मैं पढ़ाया हूं आपको, विधोत बताया हूं वहां पे कि पहला अभाज्य जो होता है दो होता है दोस्तों। ठीक है, पहला अभाज्य दो होता है, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ का प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 2 × 3 × 5 × 7 ऐसे करते हुए सभी अभाज्य संख्या कहां तक, 9999 तक है ना, तो यहां तक जाएंगे 9999 तक जाएंगे गुणा करते करते, तो इसको नहीं लेना है, जो अभाज्य है उसको लेना है। ठीक है, तो हम अभाज्य चेक नहीं करेंगे कि यहां तक अभाज्य कौन होगा, उतना हम टाइम नहीं खपत करेंगे, उतना हम टाइम नहीं व्यय करेंगे, हम क्या करेंगे शुरू में ही हमको उसका आंसर मिल जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं तो 2 भी मिल जा रहा है और 5 भी मिल जा रहा है, मतलब 2 और 5 का एक जोड़ा मिल जा रहा है, इसे 10 बनता है, अर्थात इकाई के अंक में 0 जरूर आएगा। जब हमको एक जोड़ा मिल गया 2 5 का तो कन्फर्म हो गया कि इकाई के अंक में 0 जरूर होगा। ठीक है, हमको इकाई का अंक पता करना है, तो हम पता कर चुके कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपका इकाई का जो अंक आएगा दोस्तों, जो यूनिट आएगा वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया आंसर, बस। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, मतलब पांचवा क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए इसको, पांचवा 2 से बड़ी और 777 छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 2 से बड़ी और 777 से छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणा कितना हो गया, तो ध्यान दीजिए 2 से जो बड़ी होगी अभाज्य क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और 5 होगा और 7 होगा और 11 होगा, ऐसे करते करते दोस्तों कहां तक, 777 तक, तो हम अंत में नहीं लिखेंगे, हम उतना टाइम नहीं खपत करेंगे कि 777 से छोटा कौन अभाज्य होगा, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना आपके पास टाइम है परीक्षा पीरियड में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ध्यान दीजिए, जब गुणा करेंगे आप तो 3 × 5 = 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 में हम क्या लेंगे, इकाई का अंक। अब हम 5 गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35, 35 में क्या करेंगे हम, इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, 5 × 1 = 5 आ गया, 5 गुणा करेंगे फिर हम 13 में, 3 में मतलब 5 × 3 = 15, इकाई का अंक क्या आ गया, 5। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 3 5 7 फिर हो गया 1 3 फिर आएगा 5 15 17 ऐसे आएगा, तो जैसे यहां पे आया था 3 5 7 हो गया, तो 5 5 इकाई का अंक आया, और फिर शुरू हो गया 1 तक 11 तक फिर शुरू हो गया, फिर 1 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 15 में 5 आएगा, 17 में 7 आएगा, फिर से यही बात आएगी। ठीक है, और जब 7 आएगा तो फिर 19 भी आएगी, तो वहां भी 45 आएगा, 9 × 5 = 45, मतलब कहने का कि आपको एक देख करके आइडिया हो गया कि 3 में गुणा कर रहे हैं 5 का तो 15 आ रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, फिर 15 गुणा कर रहे हैं 7 में फिर इकाई का अंक 5 आ रहा है, फिर 5 गुणा कर रहे हैं 11 में 5, मतलब जितने भी गुणा करता जा रहा हूं सब में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आता जा रहा है, और बार बार क्या आएंगे हमको, यही तो बार बार मिलेंगे, 3 5 7 9 यही मिलते जाएंगे, 1 3 5 7 यही मिलते जाएंगे हमको। ठीक है दोस्तों, तो हर इकाई के अंक में क्या मिल रहा है हमको, 5, तो आपको क्या हो गया, यूनिट नंबर अब क्या हो गया, तो ये हो गया सॉरी 5 5, यह आपका आंसर है दोस्तों।
ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जो अगला प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, 5643 फैक्टोरियल प्लस 7389 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का चिन्ह है, इसका मतलब मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, आप देख करके समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, और 6788 फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल, अगर इस पूरे को हम हल करें, तोड़े फिर हल करें, सरल करें, तो इकाई का अंक क्या आएगा ये पता करना है, तो इसे आप स्वयं करिएगा, इसको हम अगले वीडियो में लगाएंगे हम लोग। ऐसा ये है, 1 फैक्टोरियल का पावर 1 है, 2 फैक्टोरियल का पावर 2 है, 3 फैक्टोरियल का पावर 3 है, ऐसे करते हुए 10 फैक्टोरियल का पावर 10 है, जब इसको हम सरल करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये दोनों प्रश्न आपके लिए है, आप लगाएंगे, ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, और आता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे ही देखेंगे, इसको देखेंगे और इस टाइप के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो भिन्न टाइप का है, देखने में कठिन है, लेकिन हम लगाएंगे फास्ट, क्विक और कम समय में लगाएंगे दोस्तों। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।